नमस्कार। देखिए, दूध हमारा सबसे बड़ा पोषण होता है। हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि हमारे जो पुरातन समय से जो हमारे पोषण चले आ रहे हैं उनको तो हम दरकिनार कर रहे हैं, और जो मार्केटिंग लाइफ से जो हमें देखने को मिल रहा है, जो मीडिया में जो हमें देखने को मिल रहा है, हम उनके पीछे भाग रहे हैं। जो हमारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे दादाजी परदादाजी सौ सौ साल जी के गए हैं, उनको हम क्यों भूल रहे हैं? ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। दूध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है, दूध हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, दूध हमें प्रोटीन कैल्शियम अन्य जो आहार है वो सब देता है। क्योंकि आप बच्चे को देखिए, बच्चा दूध पर ही जीवित रहता है। अगर दूध अच्छा नहीं होता तो बच्चे को हम 9 महीने तक दूध ही नहीं पिलाते, हम उसको कुछ और भी पिलाते, पैदा होते ही पिलाना शुरू कर देते या खिलाना शुरू कर देते। इसका मतलब है जब बच्चा बचपन में छोटा सा दूध पीकर इतने बड़े से इतना बड़ा हो जाता है तो क्या उस बच्चे के हिसाब का ही हमारा शरीर नहीं है? हम लोग पता नहीं किस दुनिया में जा रहे हैं। वही दूध छोटा बछड़ा किसी भी पशु का हो, किसी भी स्तनधारी जीव का हो, वो दूध पीकर ही बड़ा होता है। आप हाथी की ताकत देखिए, उसका बच्चा भी दूध पीकर ही बड़ा होता है। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि दूध हमारा पोषण करने वाला पदार्थ होता है। अब इसको एक उदाहरण और बता दूं। आज से 40-50 साल पहले तक गांवों में सबसे बड़ा पोषण जो है वो दूध ही होता था। सुबह भी दूध पी लिया, दोपहर में भी दूध पी लिया, शाम को भी दूध पी लिया। हालांकि सुबह का दूध ज़्यादातर अवॉइड होता था, दही या छाछ ली जाती थी। वही अगर रूटीन आज भी हम अगर फॉलो करें तो मुझे लगता है शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। हमने इसको उल्टा करना शुरू कर दिया, दूध को हमने बहुत छोटी चीज़ में आंकना शुरू कर दिया। 3 प्रकार का दूध हम लोग यूज़ लेते हैं, एक तो भैंस का, एक गाय का, एक बकरी का। बकरी का दूध सुपाच्य होता है, बहुत हल्का होता है, लेकिन उसको हम लोग पी नहीं पाते। ज़्यादातर कुछ लोगों को स्मेल आती है उसके दूध में। बकरी का दूध सीधा सीधा लोग जो पीते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, सुपाच्य है, बहुत बढ़िया। क्यों बकरी का दूध सुपाच्य और बढ़िया क्यों है? क्योंकि बकरी आप देखिए कि जो खेतों में जाती है छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ खाती है, छोटी छोटी घास खाती है, उनमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं और उसके दूध में बहुत सारा मेडिसिनल वैल्यू होता है। ऐसे ही गाय का दूध तो आप मान के चलिए, वो भी देसी गाय का जिसके ऊपर कुबड़ थुई हो, वो जो गाय का दूध है वो दूध अमृत के समान है, वो दूध हमें पीना चाहिए। भैंस का दूध हम लोग पीते थे, पीना चाहिए, लेकिन हम लोग ये तो कहते हैं भैंस का दूध बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। आज के ज़माने में ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग खेत में काम नहीं कर रहे, हम लोग पसीना नहीं निकाल रहे, हम लोग शरीर को ताकत के काम नहीं कर रहे, इसलिए हमें भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए। भैंस का दूध उनको पीना चाहिए जो सुबह से शाम तक हार्ड तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जिनके शरीर से बहुत पसीना निकलता है, उनको भैंस का दूध पीना चाहिए। उनके लिए भैंस का दूध अमृत के समान है। लेकिन जो पूरे दिन एसी में बैठे रहते हैं, काम कुछ करते नहीं, केवल दिमाग चलाते हैं, शरीर नहीं चलाते, उनके लिए नहीं है वो दूध। तो किनको लेना, अब आप अपने आप अवलोकन कर लीजिए, मुझे कैसा दूध पीना है। अब अगली बात, हम लोग आम तौर पर बच्चे को सुबह सुबह गर्म दूध पिलाकर भेजते हैं, गुनगुना दूध पिलाकर भेजते हैं। उस बच्चे का स्वास्थ्य आप अनजाने में गिरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुबह पिया हुआ दूध बच्चे को वायु करेगा और शाम तक निढाल हुआ बच्चा आपके घर आएगा और आपको बड़ा उससे ऐसे लगेगा, इस मेरे बच्चे को हो गया क्या, दूध पिला के भेजा था मैंने। तो बच्चे के लिए सुबह का जो है वो दही होता है, वो मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया हुआ है, लेकिन दही ताज़ा जमाया होना चाहिए। आपने फ्रीज में रखा हुआ दही, ठंडा दही नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। अब अगली बात, दूध लेना कब चाहिए? देखिए, जो पूरे दिन मेहनत करता है, जो बच्चा भागता है, दौड़ता है, खेलता है, वो तो भले ही कभी भी दूध पी ले, उसके शरीर के लिए पोषण देने वाला होगा। लेकिन जो बिल्कुल भी काम नहीं करता, बैठा या तो पढ़ाई करता है या बैठा रहता है बिस्तर पे, बेड पे, सोफे पे, सारे दिन पड़ा रहता है, उसके लिए वो दूध पोषक नहीं होगा,
वो पूरे दिन का पिया दूध उसको वायु करेगा, आलस्य देगा और पड़ा रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा। तो बच्चे के लिए गाय का दूध सबसे बढ़िया है। एक तो उसको गाय का दूध देना, दूसरा रात को सोते हुए दूध पीना चाहिए आधा घंटा पहले। सोते हुए का मतलब एकदम बिस्तर पे सोया हुआ नहीं, आधे घंटे पहले एक गिलास दूध गुनगुना, थोड़ा सा मीठा, हल्का सा। वैसे तो देखिए मीठा नहीं भी डाले तो चलता है, क्योंकि दूध में खुद में जो है शर्करा होती है, ग्लूकोज होता है, लेकिन अगर हल्का सा मीठा डालें तो मिश्रिका डाल सकते हैं, सर्दियों में हल्का सा गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा वो डालकर अगर आप देते हैं, लेकिन उसके आधा घंटे तक सोना नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर अपना जो है घर के काम है वो सब करें, और उसके बाद कुल्ला करके, कुल्ला जरूर करना। क्यों? क्योंकि हमारे दांतों का जो स्थिति खराब होती है वो मीठे के कारण होती है। रात को दूध सबसे लास्ट होता है, मीठा होता है, वो कैविटी जमाता है और दांतों में सड़न होनी शुरू हो जाती है, दांतों में चिकनाई जम जाती है, वो घातक है, वो हमारे हार्ट तक को जो है नुकसान करती है, ये भी ध्यान रखना। तो रात को मैंने एक बताया हुआ है कि गर्म पानी में हल्का सा नमक डालकर, सेंधा नमक डालकर उसका कुल्ला करना, कुल्ला करके उस पानी को थूक दीजिए, वो जो नमक है वो हमारे दांतों की जड़ों तक जाकर उस मिठास को, मीठे कैविटी वाले कीटाणुओं को खत्म कर देगा, और रात को बहुत अच्छी नींद आएगी, दांतों के अंदर जो है नुकसान नहीं होगा, दांत बच्चों के स्वस्थ रहेंगे। और जो रात को बच्चे चॉकलेट वोकलेट खा के सोते हैं उनके तो दांत जाएंगे ही जाएंगे, तो उनको भी नमक का कुल्ला करवा के सुलाइए। तो दूध की हमारी बात हो गई, दूध लेने का सही समय रात है, सूर्यास्त के बाद। ये दूध ही है जो कि शरीर बहुत अच्छे तरीके से पचा पाता है, तो रात को ही दूध बच्चे को आप दीजिए। बहुत मेहनत, और देखिए अपवाद हर चीज में होता है, बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं वो कभी भी पीजिए, कोई मना ही नहीं। कई लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, मेरा वीडियो देख के कहेंगे हम तो हर समय दूध पीते हैं, हमारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात सही है, लेकिन ये उनके लिए है जिनका शरीर ज्यादा मेहनत नहीं करता है। तो आज बात हुई हमारी बकरी के दूध की, गाय के दूध की और भैंस के दूध की। भैंस का दूध अपनी जगह बहुत मान्यता रखता है, गाय का दूध बहुत अमृत तुल्य है, बकरी का दूध बहुत हल्का और सुपाच्य है। छोटे बच्चे को अगर जैसे माँ का दूध फीडिंग में नहीं मिले तो बकरी का दूध भी बताया जाता है, गाय का दूध भी मलाई उतार कर बताया जाता है। एक कारण और है, गाय का दूध जो है और घी, उसका जो टेम्परेचर, जो घी का पिघलने का टेम्परेचर है वो है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। भैंस के घी का जो पिघलने का टेम्परेचर है वो 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके एक साइंटिफिक वैल्यू में जाइए, हमारा शरीर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक अंदर गर्म रहता है, गर्मी से घी पिघलता है, ये आपको पता है। अगर आपके शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आप 40 डिग्री 42 डिग्री वाला भैंस का घी क्या पिघला पाएंगे? नहीं पिघला पाएंगे, तो वो जमेगा। और साथ में एसी में रहने वाले लोग हो गए, हम फ्रीज का पानी पीने वाले हो गए, तो वो घी जमेगा, जमेगा तो क्या करेगा, फैट डिपॉजिट करेगा शरीर में। अब यही आपने अगर सुबह सुबह 2 घंटे भागना दौड़ना, दिन में भी आप बहुत भाग दौड़ रहे हैं और शरीर का टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर ले जा रहे हैं, तो वो भैंस का घी पच जाएगा, वो पाचक हो जाएगा। तो ऐसे लोग भैंस का घी पी खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं। अब यहां से वापिस आए तो गाय की बात, जो लोग आराम से बैठा काम भी करते हैं, सिटिंग का काम भी करते हैं, थोड़ा बहुत चलना फिरना भी करते हैं, शरीर थोड़ा चल रहा है, तो रात को गाय का दूध ले सकते हैं। कैसे? उसका घी 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री एनी टाइम रहता है, अंदर 37 डिग्री रहता है, तो 1 डिग्री ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस घी को शरीर में जमने नहीं देगा और हम लोग स्वस्थ रहेंगे, हमारे शरीर में फैट डिपॉजिट नहीं होगा, तो भैंस का, गाय का जो दूध है वो हमारे लिए सुपाच्य हो जाएगा। बकरी के तो बहुत टेम्परेचर कम में ही जो है वो पिघल जाता है, इसलिए बकरी का दूध तो सुपाच्य है, उसके लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं, घी की मात्रा भी कम होती है। तो अब आज जो हमारी बात हुई है वो मोटा मोटी दूध के ऊपर हुई है, दूध कब लेना चाहिए। सुबह का दूध अवॉइड करिए, सुबह दही लीजिए, दोपहर में छाछ लीजिए, तक्र मट्ठा, छाछ भी देखिए वो सबसे बेस्ट होती है, जो आपने रात को दही जमाया और उसको मशीन से उसका घी निकाल दिया और जो बचा लिक्विड, जो पानी डालकर, डबल पानी डालकर जो छाछ बनती है वो अमृत तुल्य होती है, उस छाछ का सेवन हमें करना चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है।
तो आज हमारी यही चर्चा रहेगी कि दूध जो है वो कब पीना चाहिए, उसके पीने का तरीका कैसा होना चाहिए, उसको लेने का तरीका क्या होना चाहिए और कौन सा दूध हमारे लिए बढ़िया है। तो हमारी चर्चा दूध के ऊपर हो चुकी है। दूध हमारे लिए सुपाच्य होता है, दूध हमारे लिए पावरफुल होता है, हमारा पौष्टिक आहार होता है। दूध को बंद मत करिए। अगर आपके पास जगह है, खेत गांव में रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा आपके पास जगह है तो गाय को पालने का भी आप प्रयास कर सकते हैं। हालांकि ये मैं बहुत असंभव बात कह रहा हूँ, 100 में से 99 लोग इसके लिए मनाही करेंगे, लेकिन दूध वहाँ से लाइए जहाँ आपका विश्वास हो और जहाँ से आपको गाय का ओरिजिनल दूध मिल जाए तो और बढ़िया है। बाकी तो देखिए पैकेट फूड्स ले रहे हैं तो उसको तो आपको वैसे भी दिन में नहीं, रात को ही लेना चाहिए। रात को दूध की मात्रा ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा गिलास लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आधा भी लेते हैं तो वो भी पाचक होगा, वो भी बढ़िया होगा। तो ये दूध की आज हमने बात की। आपका स्वास्थ्य बना रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य मेरे साथी नरेश जी के साथ लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।